असलम गाइज़ वेलकम बैक दिस इज योर इंस्ट्रक्टर शाफात खान एन आई एम बैक विदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो स्पेशली फॉर दूडेंट्स हु आर प्रपेयरिंग हुए एक्चुअली वॉन्ट टू गैट एन टू ए के यू आ खान यूनिवर्सिटी यहाँ कराची वाली ठीक है अब गाइज़ देखें यू के एडमिशन प्रोसीजर के दो स्टेप्स होते हैं एक पहला वाले जो होता है वो सबको पता है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उनका जिसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी उसकी लिंक प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ आप डिस्क्रप्शन में दैन उसके बाद दूसरा जो प्रोसीजर होता है वो होता है आपके इंटरव्यू स्टेज और इंटरव्यू स्टेज जो होता है उसकी वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम से ज़्यादा होती है रीज़न उसका ये होता है कि देखें उनके पास टोटल एप्लीकेंट्स जो हमारे ईयर में पिछले साल आए थे फोर थाउजेंड एप्लीकेंट्स थे फोर थाउजेंड में उन्होंने जो टॉप थ्री हंड्रेड स्टूडेंट्स टेस्ट क्लियर कर चुके उनको उन्होंने शार्ट कर लिया इंटरव्यू के लिए टॉप थ्री स्टूडेंट्स जो शार्ट हुए उनको फिर फर्दर एडमिशन किस बेसिस पर दिया गया इंटरव्यू की बेसिस पर दिया गया तो देखें इफ़ यू यू डू योर इंटरव्यू एक्सेप्शनली इफ़ यू गिव इट इन एक्सेप्शनली देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग इन टू ए के यू आर एक्सट्रीमली हाई अच्छा बेसिकली अब देखें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम बिल्कुल बॉर्डर लाइन से क्लियर कर लेते हैं ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो चूँकि बिल्कुल बॉर्डर लाइन से टेस्ट क्लियर कर चुके थे उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया इंटरव्यू में क्लियर कर गए एंड उनका भी एडमिशन हो चुका है वो एक ही में पढ़ रहे हैं तो देखें टेस्ट बॉर्डर लाइन जो बेंच मार्क होता है अगर एक बार आपने क्लियर कर लिया ना तो जिसने चाहे टॉप किया हो या जिसने एक ही मार्क से क्लियर किया हो या एक परसेंट से क्लियर किया हो दे बोथ आर द सेम देन फिर जो चीज़ उन दोनों को डिस्टिंग्विश करेगी आफ्टर द टेस्ट दैट्स द इंटरव्यू स्टेज इंटरव्यू प्रोसीजर अच्छा इंटरव्यू में मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था बेसिकली मेरे दो इंटरव्यूज़ हुए थे एंड बोथ ऑफ दैम वो अप्रॉक्सीमेटली शुड हैव बीन फॉर थर्टी मिनट्स ठीक है उन्होंने मुझे बताया भी था कि थर्टी थर्टी मिनट्स के इंटरव्यूज़ होंगे लेकिन अम, मेरा जो पहला इंटरव्यू था वो एक्सटेंड हो गया था ऑलमोस्ट फिफ्टी मिनट्स का मतलब मैं इंट्रैक्ट करता गया करता गया करता गया एंड वो भी आगे से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते गए एंड काफ़ी अच्छी मतलब एक इंटरव्यू और इंटरव्यू रिलेशनशिप बन गया एंड फिर उसके बाद आ, ये फ़र्स्ट इंटरव्यू हो गया फिर उसके बाद एक सेकेंड इंटरव्यू आया आ, आया तो उसमें वो अप्रॉक्सीमेटली थर्टी मिनट्स में कवर हो गया था ठीक है एटी मिनट्स का तकरीबन इंटरव्यू था और एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का इंटरव्यू था अच्छा इंटरव्यू जाने से पहले जो है टीचर्स ने काफ़ी डरा रखा था कि यार बहुत मुश्किल सवाल होते हैं लोग क्लियर नहीं कर पाते एंड बात भी सही थी इंटरव्यू प्रेशर जिस पे आ जाए ना जिसको प्रेशर मतलब एक इंटरव्यूअर का प्रेशर एक वो भी एक प्रेशर होता है एक बंदे पर अगर वो प्रेशर आप पे पड़ गया ना तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है तो आपने देखें वो प्रेशर पड़ने नहीं देना है उसमें बेसिकली आपने ये करना है कि आपने ये समझना है कि भाई ये भी एक आम सा बंदा है या बंदी है तो मतलब मैं एक नॉर्मल बंदे के साथ इंट्रैक्ट कैसे करता है बंदा उनसे इंट्रैक्ट करें आप ठीक है अब बेसिकली हुआ ये था कि जो इंटरव्यू था मेरा इंटरव्यू से पहले मैंने वैसे प्रिपरेशन के लिए क्या क्या किया था मैं आपसे वो बातें शेयर कर लूँगा एंड फिर उसके बाद मैं, मैं में एंड में आपसे वो वाले सारे क्वेश्चन शेयर करूँगा जो कि ए के यू में एक्चुअली मुझसे पूछे गए थे ठीक है एंड लेट्स गेट स्टार्ट इट सो बेसिकली पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने ए के यू इंटरव्यू के लिए क्या किया था मैंने तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भाई जो हो सकता था किया कोशिश की मेहनत की अच्छा एक सीन ये हो गया था हमारे साथ के जो पोर्टल था उस पर पहले ये आया कि नॉट शॉट लिस्टेड लिखा हुआ आ गया ठीक है कि भाई आपके यहाँ तो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ वही मेरा भी मेरे जितने भी तकरीबन दोस्त थे सबका यही आ रहा था हालांकि हमारा टेस्ट क्लियर हो चुका था परसेंटेज छू नहीं हो रही थी तो देखें अगर आपके साथ ऐसा हो तो घबराइएगा नहीं ठीक है उसके एक घंटे दो घंटे बाद फिर दोबारा से स्टेटस अपडेट हुआ ठीक है भाई मैं परेशान सब परेशान स्टेटस अपडेट होने के बाद ये हुआ कि इंटरव्यू वो स्टेटस अपडेट चेंज हुआ उसमें यह लिखा हुआ था कि इट्स योर शॉर्ट फॉर द इंटरव्यू तो फिर ये ये भी होता है ठीक है थोड़ा सा सिस्टम डिले होता है या कुछ होता है लेकिन ये हो जाता है फिर उसके बाद प्रपरेशन में वेल मेरे हुसैन के आ, सर अकबर शमसी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की थी कि उन्होंने मतलब आइडियाज़ के लिए एक एक, 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 एक मॉक इंटरव्यू तो नहीं कह सकते लेकिन एक एक, एक क्लास रखी थी कि जिसमें उन्होंने हमें कुछ आइडियाज़ डिस्कस किए कि ये ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एंड इंटरव्यू एक जनरल इंटरव्यू के लिए आपने ये 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 चीज़ें एक्सपेक्ट uh, करनी है फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें तो फिर निक्सर uh, कॉलेज ने भी काफ़ी सपोर्ट की हमारी uh, मतलब प्रोसीजर पूरा जो भी फॉर्म का था वो सारा कुछ भेजने का एंड इंटरव्यू uh, के बाद जो जो भी डॉक्यूमेंटेशंस थी उन्होंने ऑफिस ऑफ काउंसलिंग ने काफ़ी हेल्प की हमारी एंड देन उसके बाद निक्सर uh, ने जो हमारे सीनियर्स हैं मतलब उनमें से एक शामिर हैं उन्होंने हमारा मॉक इंटरव्यू लिया मॉक इंटरव्यू सिर्फ नहीं लिया बल्कि उन्होंने हमें ये भी बताया कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं एंड क्या क्या चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी, चीज़े करनी, चीज़े करनी है एंड क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें अवॉइड करनी है ड्यूरिंग द इंटरव्यू बेसिकली पहली चीज़ तो उन्होंने ये पहले तो उन्होंने एक जनरल एक मॉक इंटरव्यू टाइप कर लिया मैं सूट वूट पहन के चला गया था सारा कुछ ठीक है तो चला गया था एक वन ऑन वन इंटरव्यू उन्होंने लिया मेरे तकरीबन कुछ पंद्रह मिनट का तो उसमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए सारे ठीक है कि Uh, पहला क्वेश्चन तो जो हर एक इंटरव्यू का होता है इंट्रोड्यूस योर ठीक है इंट्रोड्यूस योर जो कि एक ओपन एंडेड टाइप का क्वेश्चन होता है कि ये पूछना क्या चाह रहा है भाई इंट्रोड्यूस क्या मतलब इंट्रोड्यूस देखिए उसमें आपने घबराना नहीं है उसमें बस आपने अपने बारे में बताना है आप आपका नाम तो उनको पता ही होगा ना ऑब्वियसली उनके पास है लेकिन बस जनरली आप बता दें कि आप एज अ पर्सन कौन है आप, आप मतलब आप कॉलेज का भी आपको पता उनको पता होगा तो फिर आप अपने पैशन के बारे में बताएं कि मैं ये बंदा हूँ एंड एक्स वाई वाइजी जो भी आप अपने बारे में अच्छा जानते हैं वो आप बता दें यानी आप एंड बाय द वे गाइस कुछ लोग इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं फिर उसे बैक नहीं कर पाते फैक्ट्स के साथ तो देखें आप कम बोलें लेकिन सही बोलें गलत ना बोलें ठीक है झूठ मत बोलिएगा बिल्कुल भी क्योंकि वो इंटरव्यूअर्स इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि वो झूठ पकड़ लेते हैं आराम से तो जो भी बोलना है आपने सच बोलना है ठीक है प्लीज़ एंड सेकेंडली आपने ये बात क्लियर करनी है उनसे कि देखें इंट्रोडक्शन में बस आपने अपने कॉलेज का नाम उनको वैसे पता ही होता है लेकिन बस बता दें ठीक है कॉलेज का नाम आप अपने ग्रेड्स वगैरह बता दें आप क्या करते हैं नॉर्मली घर पे बैठे आप पूरा दिन क्या करते हैं आप मतलब आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं एंड आपको अच्छा क्या लगता है आपको बुरा क्या लगता है स्टफ़ लाइक दैट ठीक है बुरा नहीं लग बुरा लगता है वो ना बताएं तो बेहतर है लेकिन अपने बारे में बस बताएं ठीक है जो आपको लगता है आप बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं वीडियो तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि कौन कौन क्या बताएगा लेकिन अगर मैं होता आपकी जगह तो फिर मैं आ, अच्छा गैस वैसे जो मैं बता रहा हूँ आपने ये नहीं बोलना ठीक है अगर सब लोग यही बोलेंगे तो फिर वो उनको गड़बड़ लगेगी ये क्या हो रहा है एक ही जगह से सब ट्रेन हो आ रहे हैं तो आपने बस ये बोलना है कि जैसे मैं गया था मैंने उनसे अपना नाम बताया हालांकि बताना नहीं चाहिए था बस मैंने उन्हें ये कहा कि यू ऑलरेडी हैव माई नेम रिटर्न ओवर देयर एंड उन फिर मैंने अपने ओ लेवल्स के और बताया कि आई डेड फ्राम ए एस ए आर्ट्स एंड साइंस अकेडमी हैप्पी होम स्कूल एंड उनको वो पता था कि वो कहाँ है लोकेशन उन्होंने फिर मुझे बताई एंड जाने से पहले अच्छा बाय द वे गाइज परमिशन लेकर अंदर जाइएगा ठीक है हो सके तो नॉक कीजिएगा ये छोटी छोटी बातें होती है हर किसी को पता होती है लेकिन ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू में ये काउंट होता है ठीक है चाहे आप कहीं का भी इंटरव्यू कर रहे होते हैं इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं पहले जाएँ नॉक करें ठीक है फिर परमीशन ले अंदर जाएं अंदर जाने के बाद आप बैठिएगा नहीं फ़ौर से जाएँ अगर वो आपसे हाथ बढ़ाएं आगे तो आप हाथ मिलाएं ठीक है अगर हाथ ना बढ़ाएं तो फिर आप बस सलाम कर लें काफ़ी है ठीक है फिर उसके बाद एंड से आजकल तो नहीं मिलाएंगे क्योंकि अकॉर्ड ना चल रहा है आ, बट सलाम कर ली आप हाय हेलो जो भी करना है कर लें ठीक है बैठिएगा नहीं जब तक परमिशन लेकर बैठिएगा ठीक है वो आपसे अगर कहें कि या कम से जैसे मैं गया वहाँ पर अंदर Uh, सलाम किया मैंने फिर मैंने कहा हाउ आर यू सर uh, सर थे वो uh, डॉक्टर उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन काफ़ी अच्छे थे वो मतलब ए के की जनरल फैकल्टी बहुत नाइस है मतलब आपसे बहुत अच्छे से बात करती हैं ठीक है थेके? अब मैं गया अंदर मैं सलाम किया मैंने हाउ आर यू कहा उन्होंने उन्होंने हाथ बढ़ाया आगे मैंने हाथ मिला लिया ठीक है उन्होंने कहा बैठ जाए मैंने बैठ गया ठीक है फिर उन्होंने कहा यस फहद इंट्रोड्यूस योर मैंने कहा ओके okay, सर अब देखें गाइस यहाँ प्रेशर देखें एक बंदा जब जाता है ना तो नेचुरल है ये नेचुरल है जिनको यानी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता ना हो सकता है आपकी टांगे हिलनी लग जाए ठीक है लेकिन अच्छा था कि यहाँ ऊपर डेस्क था तो वो टाँगें नज़र नहीं आ रही थी लेकिन मेरी मेरी नहीं हिल रही थी खैर लेकिन जनरली ऐसा होता है ठीक है इससे पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ था एक मॉक इंटरव्यू कुछ था कहीं पर तो उसमें मेरी टांगे हिल रही थी लेकिन फिर मैंने कंट्रोल रखा था अलहमद नहीं हिल रही थी हाँ आपको ये लगेगा कि भाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है भाई देखें आपके सामने जो बंदा बैठा है वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है आपने ये बात बस अपने जहन में रखनी है ठीक है आपके हाथ नहीं हिलाइएगा बिल्कुल भी अच्छा बाय द वे एक चीज़ मुझे जो अपने सीनियर ने बताई थी कि मैं उनसे जब आंसर कर रहा था जैसे अभी मैं यहाँ इस वीडियो में भी, भी कर रहा हूँ कि मेरी जो हैंड मूवमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी मतलब मैं एकदम से यू कर लेता था या यू कर लेता था ये आप अवॉइड कीजिएगा ठीक है आप गए बस बैठ गए हाथ अपने एक जगह पर रखिएगा ठीक है क्योंकि आप जब हाथ हिलाएंगे ना तो उससे वो इंटरव्यूअर डिस्ट्रैक्ट होगा एंड वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा आपके लिए ठीक है चलें आप ये बैठ गए ठीक है ये एक जनरल जो कि हर इंटरव्यू के लिए आपको पता होना चाहिए ठीक है आपने ये नहीं करना कि इसका इस यानी हैंड मूवमेंट जितनी कम से कम हो सके उतना अच्छा है ठीक है क्योंकि इसका जनरल इंप्रेशन यही पड़ता है कि बस आई एव आई एम डन या कुछ इस टाइप का तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपने बस एक रिलैक्स मूड में बस जैसे एक नॉर्मली बंदा चाय शाये पीने के लिए नहीं जाता जहाँ पर बैठ जाता है बस उस टाइप का एक रिलैक्स कहीं पर भी हाथ रखे कोई इशू नहीं है लेकिन रिलैक्स बैठिएगा अच्छा बाय द वे टेक टेक मत लगाइएगा कुर्सी पर ठीक है सीधे बैठिएगा ठीक है कमर सीधी होनी चाहिए आपकी बिल्कुल एंड ठीक है कमर आपकी सीधी है आप गए बैठे फिर उन्होंने पूछा अच्छा उन्होंने पहले तो मुझे ये यही बताया पहला क्वेश्चन उनका इंट्रोड्यूस से पहले भी उन्होंने ये मुझसे कहा कि देखें दिस इज़ नॉट एन अकेडमिक इंटरव्यू बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज़ द केस ठीक है अकेडमिक हो सकता है आपका इंटरव्यू लेकिन उन्होंने मुझसे स्ट्रेस uh, कम करने के लिए ये मुझसे कहा कि देखें ये कोई अकेडमिक इंटरव्यू आप करना नहीं है आपसे मैं कोई अकेडमिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे मैं जो पूछूंगा वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा जनरल क्वेश्चन पूछूंगा एंड मैंने कहा ओके ये तो अच्छी बात है भाई कोई याद करने का नहीं है और कुछ नहीं है तो बस ठीक है मैं भी बैठ गया वो भी बैठ गए पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा इंट्रोड्यूसर सर्फ मैंने बताया कि हाँ मैं यहाँ से हूँ मैं ये किया है वो किया है आ, मतलब हाँ आप मेरी इंट्रो वीडियो देख लेंगे उसमें जो कुछ मैंने बताया है ना वही सारा कुछ मैंने वहाँ बताया ठीक है आ, आपने अपने बारे में अपने मुताबिक वो सारी चीज़ें बतानी है ठीक है वो इंट्रो वीडियो की भी मैंने लिंक डाल दी है बेसिकली एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ मैंने दे क्या बताया था उन्होंने मैंने ये कहा था कि मेरे ग्रेड्स क्या थे मुझे स्कॉलरशिप कितनी मिली थी कहाँ मिली थी कितने टाइम के लिए मिली थी और मेंटेन हुई थी ठीक है वो सारा कुछ बताया था एंड यानी देखें आपने ये इस तरह से समझे कि दैट्स अ बिग कंपनी एंड यू आर सम यू आर ऑल्सो कंपनी ठीक है वो एक शॉपकीपर कीपर हैं या कुछ ऐसी ऐस, यानी वो एक कंपनी है आप एक कंपनी है आप एक चीज़ बना रहे हैं आपने अपनी वो चीज़ उनको सेल करनी है तो आपने अपनी गुड चीज़ें अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें सारी उन्हें सेल करनी है ठीक है तो आपने अब यह तो बता दिया कि ठीक है हाँ भाई ये मैंने ये सारा कुछ किया उनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ना ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है उन्होंने पूछा कि वाई ए के यू ठीक है अच्छा ये वाई ए के यू वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने इम्पॉर्टेंट क्यों कहा इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि देखें ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट हु प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू ही विल सर्च आउट दिस क्वेश्चन फ्राम देयर वेबसाइट राइट ये क्वेश्चन का आंसर सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा लाजमी तो देखें वेबसाइट पर जो चीज़ें हैं वो उनको भी पता है ठीक है और आप अगर वही चीज़ें उनको बताएंगे तो मतलब दैट्स काइंड ऑफ बोरिंग ठीक है आपने कोई ऐसी चीज़ उन्हें बतानी है कि जो यूनिक हो जो बाकी कॉलेज में ना हो और जो इंटरव्यू में हो जो ए के यू में हो सॉरी इंटरव्यू बोल रहा हूँ ठीक है तो वाई ए के यू का ये क्वेश्चन है कि आपने सर्च करना है मैंने वेबसाइट पूरी छान मारी थी ठीक है और देखें एक अच्छी बात देखें मैं जैसे ही अपना आंसर बताने लग गया था ना शुरू हो गया बताने और उन्हें क्वेश्चन चेंज कर दिया फ़ौरन से क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस था उन्हें इतना आइडिया था कि हाँ इस बंदे ने इसके बारे में तो बहुत रिसर्च की होगी फिर मुझसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं लोग मेडिसिन अच्छा जी मेडिसिन क्यों जाना है वही किसी से पूछूंगा अच्छा वहाँ जाके मेडिसिन uh, क्यों लेना है आपने एमबीबीएस क्यों, क्यों करना है तो भाई ऑलमोस्ट आपके एक जनरलाइज आंसर आपको मिलता है कि मुझे आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री आई वॉन्ट टू सर्व दिस आई वॉन्ट टू सर्व दैट भाई दिस इज़ नॉट अ स्पेसिफिक आंसर दिस इज़ अ जनरल आंसर एंड जनरल आंसर्स आर ऑलवेज लाइक दे आर नाट दैट गुड You have to be more specific to why you are going in there. What's your passion? What made you go come into medicine? theek ठीक है यानी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से आप mein में आए तो वो सारा कुछ आपने बताना है ठीक है वो आप ख़ुद रिसर्च कीजिएगा मैं अपना इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अगर मैंने अभी अपने बारे अपना बता दिया कि मैं मेडिसिन क्यों ज्वाइन किया है तो हर एक बंदा फिर वही हो सकता है बताए एंड सब का लॉस हो जाएगा अगर किस जिस जिसने वो बताया क्योंकि जब जब वो ए के इंटरव्यूअर्स वो देखेंगे कि ये इतनी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं तो उनको ऐसा ही लगेगा कि हाँ ये इनको किसी ने बताया है तो वो मैं नहीं बता रहा उसके बाद आपसे पर्सनल स्ट्रेंथ और पर्सनल वीकनेस के बारे में क्वेश्चन होगा ये मुझे मेरे सीनियर ने ट्रेन किया था उन्होंने बताया था कि हाँ आपने फाइव पर्सनल स्ट्रेंथ्स बताएं पर्सनल वीकनेसेस बताएं पहले स्ट्रेंथ्स पूछें फिर वीकनेसेस पूछें स्ट्रेंथ्स तो भाई इजी है भाई हर कोई बता देगा मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ अच्छा स्ट्रेंथ्स के लिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है देखें ए के यू जो है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को नहीं देख रहा जो कि डेडिकेटेड लर्नर्स हों जो कि मतलब लर्न कर रहे हो चीज़ें याद करना चाह रहे हो अच्छे से याद करना चाह रहे हो एक यू वॉन्ट्स एन ऑलराउंडर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कि जो लर्निंग भी कर रहे हों एंड लर्निंग के अलावा भी चीज़ें उनको आती हों मतलब सिर्फ वो uh, कहते हैं ना किताबी कीड़े ना हों ठीक है किताबी मतलब लर्निंग तो करनी ही है करनी है टॉप प्रायोरिटी आपकी अकैडमिक से होनी है लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ आपका हो लाइक यू शुड हैव समिंग टू टॉक अबाउट इन द इंटरव्यू यू हैव टू हैव समिंग टू कीप द इंटरव्यूअर इंगेज ठीक है एंड गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूं कि आपने इंटरव्यूअर को उनका क्वेश्चन जो कि वो प्रिपेयर करके लाए हैं वो पूछने नहीं देना क्या मतलब मेरा इसका इसका कारगिज यह मतलब नहीं कि आप उनसे ये कह के नहीं 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 ये क्वेश्चन नहीं दूसरा पूछे आपने ये करना है कि आपने अपनी बातें ऐसी बतानी हैं अपने आंसर्स अपने ऐसे देने हैं कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैं उनसे कहूँ कि आई वॉज टीचिंग जूरिंग दिस ईयर फ्राम हेयर टू हेयर तो फिर वो कह उस टीचिंग से ही कोई क्वेश्चन उस बात से ही बात निकालेंगे कि हाँ ठीक है आप टीचिंग करते थे उससे आपसे इसका आपका मेडिसिन से क्या लिंक है या फिर आप टीचिंग करते थे तो टीचिंग में आपका क्या ऐसा कुछ है क्योंकि एज़ आई टोल्ड यू कि मैंने टीचिंग तो बहुत टाइम से स्टार्ट की हुई है तो टीचिंग वॉज माई ई सी ए माई एक्स्ट्रा करिकुलर ठीक है आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर होना चाहिए एंड गाइज इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि अच्छा मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर के बात की बात बताई ना तो आपने कोई ऐसी चीज़ अपनी सामने रखनी है कि जिसके बारे में अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करें तो वो आपको बहुत स्ट्रांग हो आपके पास उसके बारे में बहुत फैक्ट्स हों उसे बैक करने के लिए आपने इंटरव्यूअर को घुमा पे रख के अपने अपने क्वेश्चन की तरफ लाना है मतलब यू हैव टू मेक दम आस्क यू वट यू हैव प्रिपेयर्ड ओके यू शुडेंट लेट देम आस्क वट दे आर दे है प्रिपेयर फॉर यू ठीक है मतलब इतना होमवर्क वो करके आएंगे आएंगे ऑफकोर्स इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने आंसर्स अपने ऐसे देने हैं कि उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो वो आपको उससे भी अच्छा आता हो जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हो उससे भी अच्छा आता हो यानी एक एक सिक्वेंशियल स्टेप्स क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो कोई फिक्स ऑर्डर में आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जैसे मैंने आपको बताया थर्टी मिनट्स का डेजिगनेटेड इंटरव्यू था लेकिन मेरा फिफ्टी मिनट्स तक एक्सटेंड क्यों हो गया था क्योंकि मैं काफी चीज़ें आपने ले आया था बीच में कि भाई मैं टीचिंग करता था फिर मैंने उसके बाद ये 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 सारा कुछ किया मेरी इंट्रो वीडियो देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा कि मैंने क्या क्या बोला होगा वैसे ज़रूरी नहीं है मैंने वो सारा कुछ ही बोला हो क्योंकि मैं ये देखें मैं अपने आइडियाज़ नहीं शेयर कर सकता आपके साथ कि जो मैंने बोले हैं इंटरव्यू में वरना देर विल बी वर्थलेस फॉर यू गाइज ठीक है हाँ बट आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि क्या चीज़ें आपने एक्सपेक्ट करनी है इंटरव्यू में जो मुझसे पूछी गई ठीक है आपसे फाइव पर्सनल स्ट्रेंथ्स फाइव पर्सनल वीकनेसेस हो सकते हैं पूछे जरूरी नहीं है कि फाइव हो थ्री भी पूछ सकते हैं टू भी पूछ सकते हैं वन भी पूछ सकते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं तो वो आपने करनी है अच्छा बाय द वे गर्ज हरी में आंसर नहीं देना जो क्वेश्चन पूछे ना टेक अ सेकेंड और टू टू एनालाइज दैट क्वेश्चन कि इंटरव्यू आपसे पूछ के आ रहा है फ़ौरन से आंसर नहीं कीजिएगा थोड़े एक मोमेंट लीजिएगा कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है या या यू आर डाउटफुल तो तो आस्क देम फॉर अ मोमेंट ठीक है जस्ट अ मोमेंट सर लेट मी जस्ट थिंक थ्रू दिस क्वेश्चन या कुछ इस टाइप का ताकि उन्हें ऑफकोर्स दे विल ग्रांट यू दैट मोमेंट एंड अच्छा ये बात मुझे किसने बताई थी ये मेरे एक दोस्त हैं uh, अरद आलम अभी करेंटली वो एम में पढ़ रहा है uh, एक दिन पहले एम का इंटरव्यू भी काफ़ी टफ होता है एम मैसाचोसिट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो यू एस में जो है तो उसने मुझे ये बात बताई थी कि देखो आपने आ, ये नहीं करना कि आपने बस जस्ट बी योर सेल्फ ठीक है जस्ट बी योर सेल्फ एंड जस्ट डोंट डोंट गिव दम वट वट यू डोंट हैव लाइक जस्ट बी योर सेल्फ यू डोट नीट टू इम्प्रेस एनी वन यू डोंट नीट टू इम्प्रेसरव्यूअर जस्ट टेल दैम हुक्चुअली आर एंड वट यू एक्चुअली हैव ठीक है तो बस यही चीज़ें आपने बतानी हैं एंड ये चीज़ें बता के आपका इन इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा अच्छा वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स में आपने ये अपनी अचीवमेंट्स बता देनी है वीकनेसेस भी आपने बताने हैं अच्छा ये मोमेंट का जो है ना ये जस्ट दे गिव यू अ मोमेंट ये मेरे इसी फ्रेंड ने बताया था मुझे कि दे डेफिनेटली गिव गिव्यू अ मोमेंट एंड थिंक थ्रू द क्वेश्चन वट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू एंड मेक दैम आस्क यू वट यू रियली वॉन्ट टू आंसर ठीक है वट यू हैव एक्चुअली प्रिपेयर फॉर पर्सनल वीकनेसेस में आपने शेयर करनी है अच्छा लेकिन वीकनेसेस का ये मतलब हरगिज नहीं कि जैसे मैं मेरे ये मॉक इंटरव्यू में मेरे सीनियर ने मुझसे ये पूछा था कि वीकनेसेस बताएं तो मैंने कहा बिरयानी अच्छा भाई बिरयानी उन्होंने कहा कि वो पहले हंसे ठीक है उन्होंने कहा ठीक है यही बात मैंने भी की थी अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा जब मुझसे मेरी इंटरव्यू और पूछ रही थी तो आ, मैंने पिज़्ज़ा कहा था ठीक है तो वो पहले हंसेंगी ठीक है हंसने के बाद फिर आपसे यही क्वेश्चन करेंगी वही क्वेश्चन दोबारा करेंगे पूछेंगे मुझे पर्सनल वीकनेस बताओ पर्सनैलिटी में आपकी क्या वीकनेस है ये कोई पर्सनल वीकनेस नहीं है कि आपकी बिरयानी आपकी वीकनेस है ठीक है तो फिर उसके बाद आपसे फिर अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आपने बताना है कि क्या चीज़ है और फिर सिर्फ वीकनेस नहीं बताना देखें मैंने आपको कहा आपने अपनी प्रोडक्ट की नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट सिर्फ नहीं करनी उसके साथ साथ आपने जो एफर्ट किया उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए वो एफर्ट ज़रूर बताइएगा ताकि आपकी वो वीकनेस वीकनेस ना लगे अब लगे कि हाँ इसने काफ़ी वर्कआउट किया है इस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए ठीक है अब मैं अपनी वीकनेस कोर्स आपसे शेयर नहीं करूँगा इस वीडियो में लेकिन मैंने भी अपनी एक वीकनेस बताई थी पर्सनल पर्सनैलिटी वीकनेस जैसे अब एग्जाम्पल भी मैं क्या दूँगा आपको जैसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम हाँ जैसे फॉर इंस्टेंस अब मैं ओवर आपको नज़र आ रहा हूँ भाई हूँ सच है अः तो ये एक वीकनेस हो सकती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ओवर वेटेड हूँ खाता रहता हूँ एंड जाता नहीं हूँ कहीं पर जिम या एक्सरसाइज करने के लिए हाँ बट नाउ वट आई हैव डन इज दैट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट आई स्टार्टेड गोइंग टू द वॉक एंड आई हैव आई हैव हैव टेकन आई स्टार्ट एंड स्टफ लाइक दैट ठीक है मतलब ज़रूरी नहीं है हर किसी का ये हो ओवर वेटेड जो ज़रूरी नहीं है अच्छा देखें गाइज ये मत बोलिएगा जो मैं बोल रहा हूँ आपने अपने बारे में अपने हिसाब से बोलना है ठीक है मैं बार बार इस बात पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू आपका है मेरा नहीं है इंटरव्यू आपका है कोई और आपसे आपके बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं जानता ठीक है एंड जैसे उनका जिमनाज़ियम है तो आपने ये करना है कि इफ़ यू uh, जैसे मैं अपनी यही एग्जांपल दे रहा था तो अब इसमें मैंने आपको ये कह दिया कि हाँ मैंने जॉगिंग की सारा कुछ किया अब ए के यू का जिमनाजियम है तो इफ़ यू ग्रांट मी एडमिशन इन हेयर इफ़ यू एक्सेप्ट मी ए के यू देन आई डेफिनेटली मेक आई ट्राई मेकिंग यूज़ ऑफ़ दिस जमनाजियम एंड इनशा आई डू माई बेस्ट राइट सो बेसिकली आपने ये करना है इसके बाद आपने uh, एक और क्वेश्चन uh, होता है कि वट्स वट्स सो यूनिक अबाउट यू मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तीन सौ कैंडिडेट्स हैं उनमें से हम आपको ही क्यों चूज़ करें मतलब आप ही सिर्फ वन हंड्रेड में से क्यों हैं तो वहाँ पर आपने अपनी स्पेशलिटी बत, बतानी है कि आप में स्पेशल क्या चीज़ें अच्छा बाय द वे गाइज अकेडमिक्स हर किसी की स्पेशल होगी ऑफ कोर्स यार इतना मतलब कॉमन सेंस तो ये मानता है ना कि चार हजार स्टूडेंट्स में से टॉप इतने टॉप थ्री हंड्रेड आए होंगे